अपने थंबनेल और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया है कि बहुत ही ज्यादा दुखद बहुत ज्यादा तकलीफ में मतलब ये वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आपको लगभग अंदाजा लग चुका है कि हमारा ये जो KTM Adventure 390 है 10 महीना पुराना है, इसको हम रख दिए हैं भैया सेल पे क्योंकि पैसा का एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत हो गया है। उसके वजह से हमको अभी ये बाइक को ना सेल आउट करना पड़ रहा है, मतलब दिल पे पत्थर रख के जस्ट अभी 12,000 रुपए देके जो है ना इसका सर्विसिंग वगैरह करवाया था, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि इसको भी हमको सेल आउट करना पड़ेगा। तो फाइनली दिल पे पत्थर रख के ना ये बाइक बेचा जा रहा है, और ये एक्चुअली ना मैं फेसबुक में मार्केट प्लेस वगैरह पे डाला हूँ, ठीक है, लेकिन फिर सोचा क्या जो अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर के पास ही चला जाए ना बाइक तो मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगा, क्योंकि उनको एक अच्छा कंडीशन में बहुत ही अच्छा बाइक जो है ना वो मिल जाएगा। तो ये बाइक है KTM Adventure 390, लगभग 60,000 का इसमें एसेसरीज लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें लगा हुआ है एक कार इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बाइक का आता है, जो आपको कोई भी बाइक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये मिलेगा हमारे बाइक में। तो अगर किसी को अगर ये बाइक लेता है तो उसको ये भी सेट में मिल जाएगा, मतलब एक GPS वगैरह सारा कुछ दिखाता है। तो मैं आपको बता भी दूंगा अगर किसी को लेना है तो, ये लगभग इसी का दाम 20,000 से भी ज्यादा इसका दाम है। तो ये इसके साथ लगा हुआ ही मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरा ये कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल अगर बाइक चला जाता है तो ये एडवेंचर 390 10 महीना पुराना है, 18-19,000 जैसा चला हुआ है। दो सर्विस अभी भी फ्री है इसका, मतलब अगर आप कंपनी में ले जाओगे तो अभी भी दो सर्विस आपको फ्री मिलने वाला है। प्राइस जो है मैं मार्केट प्लेस में 380 में सेल आउट करने के लिए रखा था, अगर आप लोग में से कोई आ रहा है, आप लोग का अगर कोई व्यूअर है, अगर आप लोग कोई लेना चाह रहे हैं तो इसको हम 370, मतलब इसमें जितना चीज लोडेड है ना शोरूम में जाइएगा तो 470-480 के आसपास में आएगा, लगभग 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। एक साल भी नहीं हुआ है भाई गाड़ी का। आप आइए, अभी गाड़ी जो है ना थोड़ा सा मैला दिख रहा है, थोड़ा सा अभी राइड करके आए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डस्ट भी दिख रहा है। मतलब ये बाइक ऐसा है ना कि लेना है, पेट्रोल डालना है, राइड पे निकल जाना है। और इस बाइक में आज तक मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो लद्दाख, केदारनाथ, स्पीति, नेपाल भी अच्छा सा ट्रिप बन गया है, ठीक है ना। अभी भी आपको सिर्फ पेट्रोल डालना है और चलाना है और कुछ नहीं। माइलेज तो सबसे ज्यादा इसका, मतलब इससे पहले मैं डोमिनर ऑन करता था उसका भी इतना माइलेज नहीं है, लगभग हाईवे पे 36 का माइलेज देता है, जो कि आपको कोई भी नॉर्मल ड्यूक 390-250 देने ही वाला नहीं है। इसका आपको लगभग 36 का माइलेज मिल जाता है। इधर आइए, थोड़ा सा चाबी दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोकल में चला रहे हैं तो इसमें आपको माइलेज दिखा देता हूँ कितना चल रहा है। माइलेज यहाँ पे चेकआउट कर लो 31.4, मतलब 31 का माइलेज मिल रहा है जबकि लोकल में बाइक चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा रहे हो भाई, एकदम जबरदस्त माइलेज इसका मिल जाएगा। BS6 इंजन पूरा लोडेड है, लाइट्स फाइट हबी जाबी ये जो दिखना है ये सब आफ्टर मार्केट है। 20,000 रुपये तो यही है, तो दिल पे पत्थर रख के बेच रहे। अगर आपको लेना है तो फिनेंस अवेलेबल है, एक्सचेंज करके भी अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। अगर किसी आपको दोस्त में फैमिली में कोई भी अगर KTM Adventure 390 ढूंढ रहा है तो फटाक से ले जाओ, क्योंकि व्यूअर लोग कभी भी आके कोई ना कोई आके ले ही जाएगा। तो जिसको भी लेना है ना भाई ले सकते हो। डाउन पेमेंट की बात करें तो लगभग अगर आप एक्सचेंज नहीं कराना है तो 1,10,000 रुपए से 1,20,000 तक इसका डाउन पेमेंट जो है वो आने वाला है। EMI आप शोरूम में बात आइए, यहाँ पे मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, बात कर लेंगे बाद में। तो अगर किसी को भी लेना है तो शेयर कर दीजिए वीडियो फटाफट। तो बहुत ही ज्यादा दिल पे पत्थर रख के ना इसको बेचा जा रहा है, क्योंकि भैया पैसा का बहुत जरूरत है, नहीं तो बेचता नहीं। आप लोगों को पता है कितना शौक से जो है ना ये गाड़ी को खरीदा हुआ था, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। किसी को भी लेना है, भाई लोग को लेना है तो आके लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा है।